मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज भी रह सकता है, आप घूमने रिलेटेड कुछ रहता है, ब्यूटी टिप्स भी हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है। तो ध्यान से थोड़ा वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ मेरा जो मेरा छोटा नॉलेज, इतना छोटा नॉलेज है लेकिन उसको शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरा बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट किए थे कि मैं 43 इंचेस के ऊपर पे एक वीडियो बनाऊं जो यूट्यूब में मैं छोड़ूं, क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त 43 इंचेस टीवी लेना चाह रहे हैं लेकिन यूट्यूब में उतना सारा वीडियो नहीं दिया हुआ इस रिलेटेड। तो इसलिए मैं एक वीडियो आज बना रही हूँ, आप लोग देखिएगा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर आप लोग को पसंद आएगा तो। हाय गाइस, मैं ई मॉल का जो सोनी सेंटर है, चांदनी ई मॉल पे एक सोनी सेंटर है, तो मैं उसमें आई हूँ आज वीडियो शूट करने के लिए। ये है मिस्टर अरिजीत, ये है मिस्टर रतन, हेलो, और ये है मिस्टर अमित सरदार, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि यहाँ पे मुझे सारा टीवी का जो डिस्प्ले है वो मिल जाएगा। देखिए कितना सुंदर डिस्प्ले ये लोग किए हुए हैं, इसमें सोनी का सबसे बढ़िया टीवी है। इसमें आपका 4K भी दिया हुआ है, इसमें एंड्रॉइड भी दिया हुआ है। तो मैं इसका डिटेलिंग में आती हूँ मेन वीडियो में। कि एंड्रॉइड टीवी है तो इसका रिमोट भी ऐसे होंगे, मतलब गूगल प्ले रहेगा इसमें और नेटफ्लिक्स रहेगा। तो ये वॉइस कंट्रोल रिमोट भी है इसमें, जिसमें क्या फायदा है कि आप मुंह से बोलेंगे फिर काम करेगा। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी टीवी में कुछ करने के लिए, कुछ सर्चिंग करने के लिए या कुछ करने के लिए आपको जाना पड़ता है, पहले मेनू पे जाओ, फिर उसके बाद सर्च बटन पे जाओ, फिर उसमें टाइप करो, ये सब झमेला का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि एंड्रॉइड टीवी में और वॉइस कंट्रोल रिमोट के साथ दिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले है, तो ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले में जो होता है व्हाइट कलर ऑफ गैमेट, मतलब कलर गैमेट बहुत ज्यादा रहता है इसमें। मान लीजिए आपके पास अगर कोई वीडियो है या आप ऑनलाइन पे स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, देखिएगा रेड का भी अगर कलर होगा तो वो 100 हो सकता है, या ब्लू का भी शेड आपका 100 तरह के वो हो सकता है जो शेड इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले आपको दिखा रहे हैं, मतलब कलर देखिए कितना प्रोमिनेंट है, कितना डिटेलिंग है, और कलर कितना कोई मिक्स नहीं कर रहा है, कोई एक कलर के साथ दूसरा कलर मिक्स नहीं हो जा रहा है। तो यही है मेन चीज टीवी का इंटरफेस, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला कलम में ये सब लिखा रहता है, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स कंट्रोल सेटअप में एक ही रिमोट से आप सारा काम कर पाएंगे, टीवी भी चला पाएंगे, सेट टॉप बॉक्स भी चलाएंगे। और ये ऐप्स का है रो, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर है और बाकी सारा जो ऐप्स है जो डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और भी सारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो इसमें अब आ जाएगा। इसके बाद का जो नीचे का रो है वो आ रहा है आपका HDMI, क्योंकि इसमें 4 HDMI का स्लॉट दिया हुआ है, वीडियो का स्लॉट दिया हुआ है। और नीचे में ये सेटिंग्स है, आप नीचे भी सेटिंग्स है, ये डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग्स पे जा सकते हैं आप। देखिए सेटिंग्स में बहुत सारा कुछ दिया है, क्योंकि एंड्रॉयड बोल के एंड्रॉयड का डिटेल भी रहेगा इसमें, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। टीवी का कि यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एप्लीकेशन मैंने आपको बोला था कि ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये सब तो मैंने डाउनलोड किया है वो दिखा रहा है। यहाँ पे जाएंगे या फेवरेट्स में, फिर यहाँ पे जाके कुछ भी, जैसे मान लीजिए मुझे इसको आपका स्क्रीन में होम स्क्रीन में लाना है, जैसे मुझे टैप करना है, बस ये आ गया, बहुत ईजी है। टीवी के सारा फीचर्स एक ही लाइन में लिखा हुआ है। जो सोनी का जो ये खासियत बात है कि जो जो फीचर्स है कस्टमर को डिटेल में समझाते हैं, बोलने का मतलब है कोई हिडन नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल बोला हुआ है, कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया है, कौन सा आपका डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ किया है, साउंड के लिए क्या यूज़ किया है, ठीक है, गूगल असिस्टेंट है इसमें, ये सारा डिटेल एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे नॉर्मली देखने से पता चल जाएगा कि टीवी में क्या क्या फीचर्स लगा हुआ है। मैं मेन हाईलाइट करना चाह रही हूँ एक विषय पे, जो है 4K एक्सेलरेटेड प्रो प्रोसेसर। नॉर्मली कोई भी कंपनी टीवी में जो प्रोसेसर यूज़ किया है उसके बारे में कभी नहीं बोलते, लेकिन देखिए जैसे हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम लोग को तो प्रोसेसर का ज़रूरत पड़ता है। इसके हिसाब से टीवी में भी प्रोसेसर ज़रूरी है। 43 इंचेस में आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले में लगा हुआ 4 मॉडल,
एक है फुल HD आपका स्मार्ट टीवी, एक है आपका एंड्रॉयड 4K टीवी, एक है आपका 4K के साथ स्मार्ट, और एक है मॉडल जो फुल HD के साथ आपका एंड्रॉयड टीवी। का वीडियो दे रही हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम और भी जो इंचेस होते हैं, जो साइजेस होते हैं, उसके विषय में भी वीडियो बनाऊंगी और मैं यूट्यूब में देती रहूंगी। प्लीज मुझे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना पाऊँ।